इस वीडियो में हम बात करेंगे चीपेस्ट थर्टीन जैन लैपटॉप के बारे में तो ये लैपटॉप थिन लाइट कैटेगरी के, के साथ में आता है 1.7 पॉइंट का इसका वेट है और ये लैपटॉप है एसूज़ वीवो बुक फिफ्टीन जो कि 2023 वाला है वाला मॉडल ही है तो इसमें जो सीपीयू मिलता है वो इसका मेन हाईलाइट है क्योंकि इसमें मिलता है आई फाइव थर्टीन फाइव हंड्रेड एच जो कि थर्टीन जन का सी पी यू है फाइव पॉइंट सिक्स इंच की डिस्प्ले हैं और डिस्प्ले कलर एक्यूरेसी वगैरह उतनी खास नहीं है सिक्सटीन जी बी रैम है और फाइव ट्वेल्व जी बी एस एस लेकिन इसका जो प्राइस है वो है सिक्सटी थ्री थाउजेंड लेकिन ये सिक्सटी थाउजेंड में भी मिल जाता है और उसके नीचे भी आता है कभी कभी इसका प्राइस तो इस बजट के अंदर थर्टीन जेन का सीपीयू थर्टीन फाइव हंड्रेड एच जो की एक एच सीरीज का सीपीयू है प्रोपर गेमिंग सीपीयू है और ये काफी ज्यादा पावरफुल सीपीयू है तो इस बजट के अंदर मिलना थोड़ा सा लगता है की हाँ यार कि इस बजट के अंदर इतना अच्छी स्पेक्टिस में मिल रही है लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं कि सीपी यू ही अच्छा मिलता है बाकी जो चीजें हैं वो उतनी खास नहीं है ज्यादा एक्सपेक्टेशन वगैरह आप मत रखना तो मैं आपको बताता हूँ कि इस लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्या जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको थिन लाइट कैटेगरी का लैपटॉप लेना है प्रोडक्टिविटी के लिए थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करते हैं या फिर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग के लिए ऑफिस यूज़ के लिए अगर आपको लैपटॉप लेना है सिक्सटी थाउजेंड के अंडर तो फिर इस लैपटॉप की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो इसमें जो सी मिलता है उसमें कोई दोहराई नहीं है काफ़ी बढ़िया सी है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की तो इसमें डिस्प्ले जो है वो अच्छे नहीं है तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी ज़्यादा खास नहीं है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि इसमें जो थर्टीन जन का सी मिलता है कि आपको इतने पावर की रिक्वायरमेंट है कि आपको इतने हैवी टास्क करने हैं कि आपको थर्टीन जन का सी ही चाहिए या फिर ट्वेल्थ जन का भी अच्छा सी आता है ऑल ओवर लैपटॉप अच्छा मिलता है या फिर आपको वो ज़्यादा बेटर रहेगा तो ये आपको पहले देखना है सेकंड कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो इसमें तो अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा ये तो पहले ही सोच लो नॉर्मल यूज़ में मैक्सिमम दो घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा लेकिन इस प्राइस के अंदर जो दूसरा लैपटॉप आते हैं उनमें आपको पाँच से छः घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है और इस बजट के अंदर थिन लाइट कैटेगरी में आपको 100% परसेंट एस वाली डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन इसमें नहीं है इसमें 45% फाइव परसेंट एन देखने को मिलती है और अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करने जाएंगे इस लैपटॉप की तो आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है बैकलाइट की और बाकी इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है तो इसमें एक ही हाईलाइट मिलती है जो कि है इसका सी बाकी इस लैपटॉप में अगर ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करें तो वो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा बाकी अगर आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फोकस करना है सीपीयू पे तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं अगर मैं अपनी बात करूं मेरा बजट सिक्सटी थाउजेंट होता और मुझे एक थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप लेना होता तो मैं ये लैपटॉप प्रेफर नहीं करता मैं इस वाले लैपटॉप की तरफ जाता एसूस बेवबुक एस इसमें जो सारी स्पेक्स देखने को मिलती है ऑल ओवर वो बैलेंस में दी गई है बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा डिस्प्ले अच्छी है सी अच्छा है और इसमें सिक्सटीन जी रैम भी है तो इसमें सारी चीज़ें लैपटॉप में अच्छी मिलती है ऊपर से इसका प्राइस भी काफ़ी बढ़िया है सिक्सटी के अंडर अभी मिल रहा है डिस्काउंट भी अच्छा है तो मैं इस व्यूबुक एस को सिलेक्ट करता इन दोनों में से बाकी आपकी नीड क्या है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे को डी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना